foodies, welcome back to my channel. This time we are gonna make momos. Yes, हम बनाएंगे आज पनीर एंड वेजी मिक्स मोमोज. अच्छा, तो मुझे पहले एक बात ज़रूर बताओ कि इसे हम मोमो बोलते हैं या मोमोस. Do let me know in the comment section, but तब तक के लिए I'm gonna say this is my momos. तो चलिए शुरू करते हैं. Here I have taken 2 cups of maida refined flour. And I am adding salt to it. मैंने यहाँ पर 1.5 teaspoon लिया है. आप अपने taste के according इसे कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं. And here I am adding 1/4 cup of chilled water. Yes, chilled water ही लेना इसके लिए. So mix this well. Okay, हम momos के लिए एक टाइट डो ही बनाएंगे. ज़्यादा लूज नहीं रखना उसे, वरना हम शेप नहीं दे पाएंगे उसे. वैसे आपको कौन से मोमोज पसंद है? वेज, नॉन वेज, पनीर वाले या कोई और? मेरे पर्सनल फेवरेट तो पनीर वाले ही हैं, विद स्वीट कॉर्न स्पेशली. तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके फेवरेट मोमोज कौन से हैं. यहाँ पर मैंने 1/4 कप चिल्ड वाटर और ले लिया है और इसे मैं एकदम ग्रेजुअली धीरे धीरे ही ऐड करने वाली हूँ. यहाँ पे मेरा डो रेडी है एंड आई एम गोइंग टू पैक इट. क्लिंग रैप करूँगी और इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने दूँगी. एंड हियर वी आर डन. तो अब शुरू करते हैं हम अपनी मोमोज की फिलिंग. देखो भैया, मोमोज आपके हैं, वेजीज आपकी हैं, खाने आपने हैं. जो वेजीज पसंद हैं वही डालिए. मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल रखा है. आई हैव टेकन कैप्सिकम, अनियन, पनीर, दैट्स ऑल. आप यहाँ पे कुछ भी वेरिएशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल बनाया है. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पनीर क्यों अलग रख दिया. सॉल्ट, यस, सॉल्ट ही तो रीज़न है. इन वेजीज में से हमें अभी पानी निकालना है, तो कैसे निकलेगा? सॉल्ट डालने से निकलेगा. ये सेटअप देख रहे हैं, इसीलिए ये सेटअप लगाया मैंने. और यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी मेरा ब्लैक पेपर. बस सिर्फ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ही डालने वाली हूँ मैं इसके अंदर. आई जस्ट वॉन्ट अ सिंपल फ्लेवर. अब इसे हम मिक्स करेंगे और कम से कम 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे. आपने एक दूसरा मेथड भी देखा होगा कि जिसमें हम सारी अपनी वेजीज को एक कपड़े में डालते हैं, उसे स्क्वीज कर लेते हैं, उसके अंदर से सारा पानी निकाल देते हैं. बट नहीं, यहाँ पर मुझे अपने मोमोज में से सारा का सारा मॉइस्चर नहीं निकालना. कुछ जूसी भी तो रहना चाहिए ना. तो ये मेरा मिक्सचर एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है. नाउ आई एम एडिंग पनीर टू इट. एंड माय स्वीट कॉर्न्स, द मोस्ट फेवरेट. तो बस इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 15 मिनट के लिए, जब तक हम अपने मोमोज को शेप करेंगे साइड बाय साइड, ये भी अपना सारा पानी निकाल देगा. और बस इसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया, 1 टीस्पून ऑफ अमूल बटर. यस, कोई भी बटर डालो, बट डालो. दिस विल गिव अ नाइस रिच फ्लेवर टू योर मिक्सचर. तो यहाँ पर मेरा डो रेडी हो गया है. इसे हमने रेस्ट पर रखा था, अब ये रेस्ट करके आ चुका है. तो चलिए अब हम इसे रोल करना शुरू करते हैं. बट रोल करने से पहले ये स्टेप मत भूलिएगा. आप खुद ब खुद देखेंगे जैसे हमने इसे छोड़ा था तब से लेकर अब तक, ये 20-30% ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है.
तो बस अब हम इसे लॉन्ग ट्यूब में रोल कर लेंगे एंड इसे आधे आधे इंच के गैप में कट देंगे। पता है इस मेथड का यही बेनिफिट है। अब हम उस कटे हुए पार्ट को डायरेक्टली रोल करना शुरू करेंगे। हमें कोई बॉल्स बनाने की नीड नहीं है एंड मेक श्योर कि इसके एजेस एकदम पतली पतली हों ना, जब हम उसे ज्वाइन करेंगे वो और मोटी मोटी थिक आपके मुंह में आएंगी जो अच्छी नहीं लगती मोमोज में। इसे हम एकदम पतला रोल कर लेंगे। शेप की टेंशन मत लेना, ज़रूरी नहीं है इसे रोटी की तरह गोल बेलना। आपका मोमोज है यार, जैसे मर्जी रोल करो। बट हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि हमने रोल इसे एकदम थिन ही करना है। जितना थिन कर सकते हो उतना करो, शेप की टेंशन मत लो, थिन करो इसे। मैदा नहीं खाना, मोमोज खाना है भैया हमने। तो बस ये देखो कितना प्यारा, कितना पतला पतला हमने बेल लिया इसे यहाँ पर। एकदम परफेक्ट। तो ऐसे ही मैंने सारी मोमोज की शीट रोल करके रख ली हैं। तो आइए, फिलिंग भी रेडी है, शीट्स भी रेडी हैं, मोमोज को रेडी करते हैं। यहाँ पर ली मैंने एक शीट, उसमें डाला मैंने 1 टीस्पून हमारा मिक्सचर। सबसे इजी शेप बनाएंगे अभी, सबसे इजी शेप। बस इसको हमने ओवरलैप करके साइड से अच्छे तरीके से प्रेस कर देना, वरना हमारा मिक्सचर बाहर आ जाएगा, विच वी डोंट वांट। बस मैं कुछ नहीं करा, सारी साइड मैंने अच्छे तरीके से प्रेस करी एंड रोल इट एंड जॉइन द एंड्स, परफेक्ट। दूसरी शेप देखते हैं। वैसे ही हमने मिक्सचर डाला, 1 एंड टू अनदर एंड, और ये साइड से पकड़ा और ऐसे प्रेस कर दिया, और साइड से पकड़ा यहाँ से और ऐसे प्रेस कर दिया। ये हमारी बेसिकली डम्पलिंग की शेप है एंड हियर वी गो, हाउ ब्यूटीफुल। थर्ड शेप देखते हैं हम। ये फर्स्ट वाली के जैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ से एंड इसका लॉक कर दिया है दोनों साइड से, तो ये वाला एंड भी लॉक कर दिया। ओके, तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे प्लीट्स। कुछ नहीं करना, एक को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है बस, एंड इसको भी हम फर्स्ट वाले के जैसे ही रोल कर देंगे और इसका एंड टू एंड कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही मैंने सारे मोमोज अपने रेडी कर लिए हैं। तो देरी किस बात की, यहाँ पर हमने ऑयल भी लगा दिया है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट, वरना आपके मोमोज जो हैं वो नीचे चिपक जाएंगे। तो बस ऑयलिंग के बाद अब हम अपने सारे मोमोज तो नहीं, बट एक पार्ट जो इसमें आ सके वो हम इसमें स्टीम कर लेंगे। आप चाहे तो आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, बट आज मुझे स्टीम ही खाने हैं।
सारे मोमोज इसके अंदर जा चुके हैं। अब हम इसे लिड लगाकर 25 मिनट्स के लिए स्टीम करेंगे। एंड हियर वी गो, हमारे मोमोज रेडी हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं, लाइक सीरियसली गाइस, टेस्ट में एकदम परफेक्ट हैं, एकदम बैलेंस्ड है। If you like my recipe, if you like my video, don't forget to hit the subscribe button, the link icon beside that, and don't forget to share this video with your friends. Bye bye, see you next time.